Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of Gyani Guruvar. And today we are going to talk about one very important topic, and that's कि आपको कौन सी जैकेट सेलेक्ट करनी चाहिए या ऑप्ट करनी चाहिए अंडर 6999, दैट इज़ अंडर 7000, जो लेवल 2 का जैकेट हो, जो आपको सारा अच्छी वाली सेफ्टी प्रोवाइड कर सके. तो ऐसी कौन सी जैकेट है जो आपको ऑप्ट करनी चाहिए स्पेशली फॉर फीमेल्स. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 7500 रेंज में जो स्काला में जैकेट्स अवेलेबल है फॉर फीमेल्स एंड आल्सो इन टारमैक, तो ये दो जैकेट में आपको कौन सा फीमेल जैकेट ऑप्ट करना चाहिए उस बारे में हम लोग बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर वन स्मॉल थिंग. Whenever females they come here for riding jacket and for safety apparel, सबसे important चीज़ ये ध्यान में रखिए कि जो female jacket है ना, देखो मैंने ना last 9 साल से मैं ride कर रही हूँ और आज तक मैंने कभी भी female jacket नहीं पहना है. So ये जो भ्रम है ना आपके दिमाग में कि आपको female jacket ही खरीदना है, female हो तो female jacket ही opt करना है, अगर आपको आपकी fit की अच्छी armors की proper armors जगह पर fit होने वाली अगर female jacket मिलती है तो definitely go for that. But अगर आपको फीमेल जैकेट टाइट हो रहा है या फिर लूज हो रहा है, जिसमें आर्मर्स आपके जगह पर नहीं है और आपकी जो भी सेफ्टी फीचर्स है वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वहाँ पर कभी भी फीमेल जैकेट ही मुझे चाहिए ये पकड़ के दिमाग में मत रहिए. मैनी टाइम्स सी फॉर फीमेल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपना जो ये हिप बोन है ना वो ब्रॉडर साइड में रहता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स. इसलिए जब भी कोई फीमेल जैकेट होता है ना, अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक ब्रॉडर दिस वे, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो इस तरीके से फीमेल जैकेट है, सो इट विल फिट वेल ऑन फीमेल्स. हाउएवर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो भी जैकेट यहाँ पर ठीक से नहीं बैठ रहा है, देन गो फॉर दोज जैकेट्स विच फिट्स यू वेल. मेंस का जैकेट ऐसा होता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को बहुत सारे मेंस जैकेट भी बहुत प्यारे दिखते हैं. जैसे कि मैंने कभी भी फीमेल जैकेट पहना नहीं है, मैं लास्ट 6 महीने से आई एम यूजिंग स्काला एक्सफोर्स जैकेट विच इज़ मेंस जैकेट. आइडियली इट्स अ मेंस जैकेट, बट वेन आई वेयर इट आई फील वेरी कम्फर्टेबल एंड माई आर्मर सिट्स वेरी प्रॉपरली. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू talk about Scala Akira jacket which comes in 7500, female jacket है, level 2 है, Safetech का armors है, rain liners, thermal liners आपको सब मिल जाएगा. जो भी jacket मैं आपको इस video में बताने वाली हूँ for men and for female, वो पूरा का पूरा सबसे best quality की है, top quality, तो quality बिल्कुल भी यहाँ पर compromise नहीं हो रही है and it all comes in level 2. मैं आप लोगों को quickly tarmac का जो drifter jacket है, female jacket है, ये भी मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी कि ये क्या क्या फीचर्स है इसमें और किस तरीके से ये मुझे फिट होता है. हाउएवर आई विल ऑल्सो शो यू फ्यू मेन्स जैकेट जो फीमेल के ऊपर काफ़ी अच्छे दिखते हैं एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. तो अभी मैं आप लोगों को क्विकली स्काला का अकीरा फीमेल जैकेट पहन के दिखाऊंगी. जब भी आप कोई भी स्टोर पर जाते हो जैकेट ट्राई करने के लिए, तो मेक श्योर यू रिमूव योर वॉच. अगर आपको बाइकर बनना है तो आपको वॉच का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नेवर रिकमेंडेड कि आपको वॉच पहनना है और उसके ऊपर ग्लव्स और जैकेट आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे. सो इट्स रिकमेंडेड नॉट टू वेयर वॉच. और जब भी आप जैकेट ट्राई कर रहे हो, थर्मल लाइनर के साथ पहले टेस्ट करना है, आपको ट्राई करना है एंड देन यू हैव टू वेयर इट विदाउट थर्मल लाइनर, बिकॉज थर्मल लाइनर ना आप सिर्फ लद्दाख जैसे सीजन में ही पहनोगे, नॉर्मल टेरेंस पे तो आप पहनोगे नहीं. ठीक है, जैसे कि मुंबई में अगर राइड कर रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, तो वहाँ पर थर्मल लाइनर की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहाँ पर समर्स चलते रहते हैं. तो दिस इज़ हाउ दिस जैकेट फिट्स मी. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो आर्मर है, सो मेरी जो आर्मर है प्रॉपर इधर से इधर तक फिट हो रही है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. यहाँ पर आपको आर्म्स पे ये एडजस्टर है जहाँ पर आपको एकदम ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज आपकी ब्लड सर्कुलेशन है ना वो ब्लॉक हो जाएगी, स्पेशली जो एल्बो का आर्मर रहता है वहाँ पर. अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट ये सब कम्फर्ट करके, ये साइड में भी है, यहाँ पर भी आपको देखना है कि आप कितने कंफर्टेबल हो. बहुत लोग एकदम ही ज़्यादा टाइट कर देते हैं और सीन क्या होता है, शो यू. जब आप ये बाइक पे बैठ रहे हो ना, ठीक है, जब आप बाइक पे बैठ रहे हो, विकास मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन करूँ,
जब भी आप बाइक पे बैठोगे ना, तो आपकी जो यहाँ पर जो आपकी एडजस्टर है वो आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से रखनी है। जब भी आप बाइक पे बैठते हो ना, तो आपकी जैकेट थोड़ी ऊपर लिफ्ट होती है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। सो यू डोंट हैव टू वरी कि ये मेरा पेट की वजह से ऊपर आ रहा है। बहुत सारे लड़कों के जैकेट में भी आपकी जैकेट जो होती है बाइक पे बैठने के बाद ऊपर आती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट स्काला अकीरा जैकेट। नाउ कमिंग टू आवर टारमैक ड्रिफ्टर जैकेट, सो लेट्स गो। अभी फटाफट टारमैक का ड्रिफ्टर जैकेट पहन के दिखाते हैं आपको। इसमें भी जो है लेवल 2 का सेफटेक का प्रोटेक्टर्स है, आर्मर्स है आपके एल्बो पे, शोल्डर्स पे। एंड आई लव द कलर ऑफ दिस जैकेट। मैंने जहाँ पर प्रॉपरली पिंक देना है वहाँ पर पिंक दिया है। एंड दिस आई एनीवेज लाइक लाइट कलर जैकेट अ लॉट। सो दिस इज हाउ दिस जैकेट लुक्स। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई मीन जो भी मतलब बंदियों को फीमेल जैकेट चाहिए, दे लव पिंक, दिस जैकेट इज फॉर यू गाइस। यहाँ पर प्रॉपरली आर्म्स पे ये फिट हो रहे हैं, यहाँ पर एडजस्टर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट फिट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली ऑन माई आर्म्स। अगर आप देख रहे हो तो आर्मर्स जो है अपना प्रॉपरली बैठ रहा है। दिस जैकेट कम्स विथ रेन लाइनर एज वेल एज थर्मल लाइनर, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। प्लस मेश है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, वेंटिलेटेड रहेंगे आप कंप्लीटली अपने राइड पर। एंड ऑल्सो इट कम्स विद YKK zipper, सो एवरीथिंग इज जस्ट नाइस इन दिस जैकेट। ये वाली जो जैकेट है उसकी प्राइस है 7500। हाउएवर अगर आप रूम स्टोर पर आओगे तो अभी हम लोग ने न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से ये जैकेट आपको 6500 में अवेलेबल है अपने रूम स्टोर पर इन ऑल साइजेस। सो लेडीज हरी अप। यहाँ पर साइड में आप ये एडजस्ट कर सकते हो एंड यू कैन मेक इट कम्फर्टेबल अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट। तो अगर आप बाइक पर बैठ रहे हो तो अगेन दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे वीडियो में आप लोग को बताना था, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आप लोग को प्रॉपर फीमेल जैकेट मिल रही है, वेल एंड गुड, वेरी नाइस। लेकिन अगर आपको फीमेल जैकेट नहीं मिल रही है, सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर मेल जैकेट, जो मेल बोलने के लिए होता है लेकिन इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन फीमेल्स। जैसे कि स्काला एक्सपोर्ट्स मैं जो पहनती हूँ वो मेन जैकेट है, बट आई लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग इन दैट जैकेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो बताओ कैसा लग रहा है ये जैकेट मेरे पर। एक तो वो है, दूसरी चीज़ अगर आपको प्रॉपर फिट हो रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यार सेफ्टी के लिए। इन शॉर्ट आप जैकेट लेते क्यों हो? आई अंडरस्टैंड कि आप 7-8 हज़ार भर रहे हो तो फिर इट शुड बी वेरी नाइस, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। कलर अच्छी होनी चाहिए, लेवल अच्छी होनी चाहिए, उसकी आर्मर्स अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उतना पैसा भर रहे हो और फिर भी आप हैप्पी नहीं हो और आपकी आर्मर्स जगह पर नहीं हो तो पूरा पैसा वेस्ट है। तो मेक श्योर करो कि फीमेल हो या मेल हो, आपकी आर्मर्स जो है वो प्रॉपर जगह पर बैठनी चाहिए। अगर आप लोग को बजट इशू नहीं है ना गाइस, सो आई हैव कपल ऑफ ब्यूटीफुल लुकिंग जैकेट जो आप ऑप्ट कर सकते हो। हाउएवर मैं आपको सेम रेंज जो 7000 के आसपास की सेम अर्बन एक्स राइनॉक्स के जो अर्बन एक्स है जो मेल जैकेट है, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली नाइस एंड ब्यूटीफुल ऑन फीमेल, वो मैं आप लोग को पहन के बताती हूँ। अगर आपको फीमेल में जैकेट्स नहीं मिलते सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइनॉक्स अर्बन जैकेट। सो हियर इट इज, मैं क्विकली फटाफट आपको पहन के दिखाती हूँ ये। इनफैक्ट ये वाली जो जैकेट है मेरे पास भी है, जो हम लोग नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट्स वेरी लाइट वेट, वेरी कम्फर्टेबल। अगेन सेफटेक का आर्मर्स है, लेवल 2 है। मैं इनफैक्ट आपको जो भी जैकेट वीडियो में बता रही हूँ सबकी क्वालिटी टॉप नॉच है, तो आप ये पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी क्या। सो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर फीमेल को जैकेट्स नहीं मिलती है अपने साइज़ की, तो वो लोग नॉर्मल मेल जैकेट भी ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई एम 60 kgs एंड फ्रेंकली ये वाली जैकेट मेरे ऊपर थोड़ी आपको लूज लगेगी, क्योंकि अगेन इट्स अ मेल जैकेट एंड आई फिट इन वेल विद द फीमेल जैकेट। लेकिन ये जैकेट स्पेशली फॉर दोज गर्ल्स हु डोंट फाइंड फीमेल जैकेट दैट कम्फर्टेबल एंड दे डोंट गेट प्रॉपर साइज, उनको फीमेल जैकेट में अगर नहीं मिलती है तो ये जैकेट आप ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सारी एडजस्टर्स मिल जाएगी, ठीक है, जो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर चेस्ट आर्मर्स मिलेगी, तो मोस्टली क्या होता है ना, फीमेल जैकेट्स में चेस्ट आर्मर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट चेस्ट आर्मर्स की ज़रूरत तभी होती है जब आप ऑफ रोड कर रहे हो। ऑफ रोड में होता है कि आप इस तरीके से गिरते हो, राइट, नहीं तो नॉर्मल रोड पर आप यहाँ ऐसे गिरोगे।
ऑफ रोडिंग के टाइम पे होता है कि आप इस तरीके से गिरते हो, इसकी वजह से चेस्ट आर्मर्स दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं कि अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हो तो चेस्ट आर्मर्स निकाल के राइड करिए, जैकेट और ज़्यादा लाइट हो जाएगी और बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। अभी राइनॉक्स का एक चीज़ है यहाँ, इसमें आपको थर्मल लाइनर और जो इसका रेन लाइनर है वो नहीं मिलता है, वो आपको अलग से परचेस करना होता है। इसके वजह से ये जैकेट काफ़ी लाइट फील होगा आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी ये दूसरी जैकेट है तो आपकी जो प्रीवियस जैकेट की थर्मल लाइनर है, रेन लाइनर है, वो आप ऑप्ट कर सकते हो, या फिर रेन लाइनर आप कोई भी और ब्रांड का जाकर पहन सकते हो, या फिर राइनॉक्स का खुद के ब्रांड का भी H2Go आता है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अनदर थिंग, अगर आपको बजट का इशू नहीं है ना, तो फ्रेंकली लेट मी शो यू दिस वन जैकेट विच आई पर्सनली लव एंड वी हैव रिडन ऑलमोस्ट MP राइड और उसके बाद उत्तराखंड राइड, गंगोत्री, ये सब जो भी हम लोग ने किया था वो सारे राइड में हमने वो जैकेट पहनी थी। सो प्रेजेंटिंग स्टेल्थ ईवो, दिस इज राइनॉक्स स्टेल्थ ईवो जैकेट। इसके जो आर्मर्स है वो नॉक्स के आर्मर्स है, सब कुछ टॉप लेवल का है। अगर बजट की इशू सच्ची में नहीं है ना, गो फॉर दिस जैकेट। दिस जैकेट कॉस्ट्स यू 12,750 रुपीज, डजंट कम्स विथ रेन लाइनर एंड थर्मल लाइनर। लेकिन इसमें रेन और थर्मल लाइनर की जरूरत, रेन लाइनर की जरूरत पड़ती है, बट थर्मल लाइनर की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, बिकॉज दिस इज ट्यूरिंग जैकेट और इसमें जो है वो प्रॉपर टेक्सटाइल है। और यहाँ पर जब आप ये ओपन करोगे ना, वहाँ पर आपको वेंट्स मिलेंगे। This is how this jacket looks like. यहाँ पर आपको properly यहाँ पर आप कर सकते हो, साइड में यहाँ पर कहाँ है भाई, हाँ साइड में ये आप properly यहाँ पर adjust कर सकते हो this. तो जिस तरीके का costing होता है ना, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते safety is expensive but priceless, तो ये जो है थोड़ी expensive jacket है but it looks good. Especially अगर आपको कोई भी और jacket पसंद नहीं आ रहा है, you can opt for this jacket. ये जैकेट के अलावा वी हैव स्काला मार्वल जैकेट ऑल्सो, विच इज अराउंड 7,000 के आसपास है। गो फॉर स्काला मार्वल जैकेट विच इज अ मेल जैकेट बट लुक्स गुड ऑन फीमेल्स। तो एक ये जैकेट हो गया, स्टेल्थ ईवो हो गया, अर्बन एक्स हो गया, उसके बाद मैंने आपको टारमैक का ड्रिफ्टर जैकेट बता दिया, अकीरा जैकेट बता दिया स्काला का। तो ये सारी जैकेट्स अपनी जो फीमेल्स हैं वो आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, एंड एक यू कैन जबरदस्ती जाओ यार राइड पर, यू विल एक्सप्लोर इन अनदर वर्ल्ड, यू नो। अगर आप लोग राइडिंग करोगे ना अपने पार्टनर के साथ, यू विल एक्सप्लोर इन अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर, जो आप कभी भी गाड़ियों में नहीं फील कर पाओगे। खूब गर्मी जालला माल माला तो जब भी यहाँ पर आप राइडिंग जैकेट ट्राई करने को आते हो ना, वो होता है कि एक जैकेट से मन नहीं भरता है, चार पांच जैकेट एटलीस्ट ट्राई करना ही पड़ता है, एंड देन यू फील टायर्ड। एंड ऑल्सो वैन यू गो फॉर द राइड ना, यू मतलब बहुत थकावट हो जाती है, टायर्डनेस फील हो जाती है, तो ना ये थोड़ा ऑफ बीट बात हो जाएगा, बट आई ऑलवेज फील कि कभी भी आप कुछ ज्ञानी गुरुवार बनाओ ना, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा टिप अगर दे देना, अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। सो जस्ट क्विकली लेट मी टेल यू कि आप है ना ये दो चार एक्सरसाइज कीजिए एंड यू विल बी सो फाइन एंड फिट। स्पेशली आपकी जो बैक है वो इतनी फिट और अच्छे से आप रख सकते हो कि आपको सारे राइड्स में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, एंड ऑल्सो वैन यू गो आउट इन कार ऑल्सो। सो इन शॉर्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू पुश ऑल यू फीमेल्स एंड ऑल्सो द मेल्स आउट देयर कि आप लोग जाओ और व्यायाम कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्विकली मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, एक ये वाला जो है ना, एक ये वाला आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद एक ये साइड क्रंच कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, उसके बाद आप एक ये वाला कर सकते हो। इससे कैसे ना बैक भी स्ट्रेच होगा, आपका बैक भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बाइकिंग में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी बैक ही होती है, विच गोज़ ऑन टॉस। और एक ये साइड क्रंच, ये वाली चीज़, तो ये तीन चार चीज़ का सिर्फ आप करिए एक्सरसाइज एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव योर राइड्स। ट्राई करो एंड थैंक मी लेटर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। मेक श्योर अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे डालिए, आई एम ऑल हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। मेक श्योर कीजिए कि ये सारे फीमेल्स के साथ आप शेयर कीजिए, बिकॉज हमेशा यार एक लड़की के लिए ही पता नहीं क्यों ब्रांड वाले अच्छे जैकेट्स नहीं बनाते हैं, एंड फॉर मेल्स दे हैव सो मैनी ऑप्शंस। ओ माई गॉड, थैंक यू स्काला एंड टारमैक फॉर मेकिंग फीमेल जैकेट्स, और हमारे बारे में भी थोड़ा सोचने के लिए थैंक यू सो मच। दो वी डोंट हैव दैट मच ऑप्शन, बट अगेन कभी ना कभी हमारे लिए भी ऑप्शंस आ ही जाएंगे मार्केट में, बट स्टार्टिंग विद स्काला एंड टारमैक वी आर हैप्पी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, ऑलवेज वेयर प्रॉपर फिट राइडिंग जैकेट एंड ऑल योर राइडिंग अपैरल्स, अंटिल देन ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रनिंग। ये क्यों था वो मैं करता हूँ।